असल वरम वह मार्फत का बिला हिसाब जन्नत में दाखिल होने का बयान ये भी एक कैटेगरी है उन लोगों की जो जन्नत में बगैर हिसाब के दाखिल होंगे हजरत अनस रजी अल्लाह तू से रिवायत आती है की हजूर सल्लाम ने फरमाया क्यामत के दिन जब अल्लाह सुबहाना वाल तमाम बनी नोए आदम को जमा करेगा तमाम इंसानों को जमा करेगा अवलीन और आखरीन सब सबको जमा फरमाएगा तो अर्श के नीचे से एक आवाज देने वाला आवाज देगा कि अल्लाह की मारिफत रखने वाले लोग कहाँ हैं, एहसान करने वाले लोग नेकोकार कहाँ हैं हजूर सल्लाम ने फरमाया कि लोगों में से एक गिरोह उठेगा हत्या के जाकर अल्लाह सुबहाना के तजूर खड़ा हो जाएगा अल्लाह ताला इनसे पूछेगा हालांकि अल्लाह ताला बहुत इल्म वाला है सब कुछ जानता है लेकिन फिर भी पूछेगा ताकि सबको इनके बारे में पता चल जाए कि उठने वाले कौन हैं अल्लाह पूछेगा तुम कौन हो वर्ष करेंगे हम तेरी मारिफत रखने वाले अहले मारिफत होते हैं और तूने ही हमें इसका अहल बनाया और अपनी मारिफत और पहचानता फरमाई अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा तुम सच्चे हो तो क्या पता चला कि अल्लाह ने इनसे सवाल इसलिए किया ताकि सब पर यह बात ओपन हो जाए कि यह सिर्फ क्लेम करने वाले नहीं हैं इनके क्लेम में सच्चाई भी है यह क्लेम करने वाले तो बहुत लोग होंगे ना क्यामत के दिन कहेंगे कि हमने तेरे लिए अपनी जान दी हमने तेरे लिए अपना इल, तेरा इल्म फैलाया हमने तेरे लिए ये किया तेरे लिए हालांकि उन्होंने अपने लिए किया होगा यहां ये भी आएंगे और कहेंगे कि बारी ताला हम तेरी मारिफत रखने वाले थे और तेरे ही फजल और तेरे ही कर्म से तेरी मारिफत के जानने वाले

तो अल्लाह फरमाएगा तुम सच्चे हो फिर फरमाएगा मा अ खुमिन सबील उत खुल जन्ना तुम पर कोई हिसाब किताब नहीं है तुम पर कोई रास्ता नहीं है मा अले खुम सबील उत खुल जन्नत मेरी रहमत से तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ ये नहीं कि तुमने कोई अपना बहुत बड़े अमल किए हैं जिनसे मैं तुम्हें जन्नत में दाखिल कर रहा हूँ नहीं जन्नत में कोई अपने अमल से दाखिल नहीं होगा अगर किसी को ये खाम ख्याली है कि मैं बड़ा अमल करने वाला हूं या किसी वायस को आप सुनो कह रहा हो कि अमल करो जन्नत में ले जाए जन्नत में ले जाने वाले अमल है पर जन्नत पे तकिया ना करो अपने अमल पे तकिया ना करो कि यह जन्नत में तुम्हें ले जाएंगे तुम जन्नत में अपने रब की रहमत से जाओगे इसका ये मतलब नहीं है कि नेक अमल कर ही छोड़ दो अमल करो जन्नत में जाने वाले पर उन अमल पर ही तकिया ना करो तकिया करो अल्लाह की रहमत पर अल्लाह के फजल पर वो उम्मीद रखो कि बारी ताला मैंने हत्तल इमकान अपनी तरफ से तो कोशिश कर ली आगे तू रहम फरमा और करम फरमा मेरी इस टूटी फूटी इबादत को कबूल कर ले और इसे कबूल का दर्जा दे दे और मुझे जन्नत में दाखिल कर तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु हजूर अक्रम वसल्लम ने अल्लाह व तआला का ये इरशाद बयान फरमाया कि मा अलैकुम मिन अमिन उद्न्न तब रहमति फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि हजूर वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया बिला शुबा अल्लाह करीम इन आरफीन को क्यामत के अहवाल से निजात दे देगा अल्लाह हु अकबर अल्लाह हु अकबर बल्कि निजात दे दी है फरमाया क्या फरमाया निजात दे दी है हाफिज अबू नयेम कहते हैं कि इस हदीस की सनत मकबूल है अगर इसमें हारिस बिन मंसूर वारक ना होता क्योंकि इसको रिवायत में वहम बहुत लाहक हो जाता अब आप कहेंगे कि सर ये मारफत इलाही होती क्या है देखो मारफत से मुराद मारिफत का क्या माना है पहले ये समझो इसका मतलब होता है जानना पहचानना और किसी चीज या हस्ती के मुतालिक इल्म हासिल करना जिस तरह दुनियावीम हासिल करते हैं उस पर तरक्की करते हैं इसी तरह जातِ हक आला का इल्म ये हासिल करना कुरब इलाही में तरक्की करना ये मामला मार फते इलाही से इस दुनिया की तखलीक का बुनियादी मकसद ही ये था कि अल्लाह की पहचान जिस तरह एक कार अपनी तख्लीक के जरिए अपनी जत का इज़हार और पहचान चाहता है इसी तरह अल्लाह सुबहाना व त अपनी हर तख्ती के जरिए अपनी ज़ात की पहचान चाहता है अल्लाह सुबहाना व त कुर करीम में फरमाता है कि आसमान और ज़मीन की पैदाइश में रात दिन की गर्दिश में इन कश्तियों में जो लोगों के लिए नफा बख्श चीज़ों को लेकर समंदर में चलती हैं और इस बारिश के पानी में जिससे अल्लाह आसमान से उतारता है और फिर इस ज़मीन को मुर्दा हो जाने के बाद जिंदा करता है वो ज़मीन जिसमें हर तरह के जानवर फैला दिए हैं और हवाओं के रुख बदलने में और इस बादल में जो आसमान और ज़मीन के दरमियान है हुक्म इलाही का पाबंद है इन सब में अक्ल मंदों के लिए अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं अल्लाह अपनी तखलीकात की तरफ इसलिए मुतवज्जे तवज्जो करता है कि इन पर गौर करके इनके खालिक की ज़ात के मुतालिक गौर किया जाए जो तख्लीक इस कदर खूबसूरत है सोचो उनका खालिक कित कैसा होगा सुबहानल्ला सुबहान तो इल्म मारिफत ना दीन इस्लाम की बुनियाद और हर इबादत की रूह है जब तक अल्लाह को पहचाना ना जाए इसकी कामिल इबादत मुमकिन ही नहीं है इसलिए सदना गौसल आजम जो है रहमतल्लासरार में फरमाते हैं कि मल्लम याफ कफा या जो पहचानता ही नहीं उसकी इबादत कैसे कर सकता है मल्लम या कई फयाबू इंसान की अपनी हस्ती इस बात की सबसे ज्यादा रखती मुतका तुम तो अपने खालिक अपने मालिक अपने रब अपने परवरदिगार को जाने पहचाने वो कौन है वो कैसा है उसकी करम नवाजियां उसकी नेमते ताकि बंदा जब उसकी तस्वीर बयान करे उसका शुक्र करे तो दिल की गहराइयों से उसका शुक्र करे इंसानी जिसम का हर हर हिस्सा उसका शुक्र अदा करे हम देखते हैं जिससे हम हैं, जबान जिससे हम बोलते हैं हाथ जिससे हम दीगर मामलात करते हैं हजरत दाता गंज बख रहमत फरमाते हैं कि बस दिल के हिस्से में हक ताला का कुरब आया और अक्ल के हिस्से में खिदमत वी सुबहान अल्लाह तो अल्लाह की मार्फत अक़ल के जरिए हासिल करना नामुमकिन है क्योंकि अक्ल सिर्फ उन्हीं चीजों का इदराक कर सकती है जिन चीजों के मुतालिक उसे मालूम हो इसलिए अलाम इकबाल ने क्या कहा कि अक्ल को आस्था से दूर नहीं उसकी तकदीर में हजूर नहीं वो हर चीज को रैशनल ग्राउंड्स के ऊपर जज करती है अक्ल महदूद होती है अकल में जो घिर गया लातहा क्यों कर हुआ जो समझ में आ गया फिर वो खुदा क्यों कर हुआ तो अकल के कायनात की तमाम चीजों पर गौर फिक्र करके इनकी खालिक के मुतालिक इल्म के हुसूल में मदद जरूर हासिल की जा सकती है लेकिन रू का तार्ल कलम अम्र से है जैसा की अल्लाह ने फरमायाबी क्या आपल्ला फरमा दें कि रू मेरे रब का अम्र है इसलिए रू की रसाई भी आलम नासूस से लेकर आलम अमर तक है जबकि अक्ल नासूत में कैद है इसलिए रूह ही अपने आलम के के फते ही का दौरान मुख्तल के मुताल इलम हासिल करता है जो इंसान घर की चारती वारी में ही कैद रहे और सफर पर ना निकले वो मंजिल पर कैसे पहुंचेगा और यही अक्ल और रूह का फर्क है मार्फत इलाही के हसूल के लिए सबसे पहली बात जरूरी है वो ये है कि रूह अपने अल्लाह से मुलाकात के सफर पर निकलने का इरादा और ख्वाहिश करे फिर जब इरादा मजबूत हो जाए तो इस सफर की तैयारी करे तैयारी के लिए जरूरी है कि क्या करे जिक्र इलाही करे जिक्र इलाही का ज्यादा रास् साथ ले ये रास्ते का सामान है किसी राहबर मुर्शिद कामिल को अपना रफीक बनाए हसरत तकबर लालच कीने बुग्स और दीगर नफसानी और रूहानी बीमारियों से निजात हासिल करके खुद को ताकतवर बनाए दुनियावी मोहब्बतों का बोझ उतार फेंके जो बातिन के सफर में तकलीफ देती है मोहब्बत इलाही के लिबास से खुद को आरास्ता करें और फिर सफर पर निकले इस सफर के हर हर कदम पर हर हर मुकाम पर मुताल एक नया अहम और खूबसूरत इंकशाफ इसका मुंतजर होगा दुनिया की हर लज्जत से बेनियाज करते दुनिया की हर लज्जत के खालिफ को जानना पहचानना इसके करीब होना यह एक अजीब मामला है जिसको वही बयान कर सकता है जो इस मामले में उतरा हो तो इसलिए मार्फत इला ही से महरूमी एक बहुत बड़ी महरूमी है अनफॉर्चुनेटली इस राह से शनासाई से लोग होते हैं इस रास्ते से शनासा जानते नहीं इस रास्ते को और इस रास्ते पे चलने वालों पे तान करते हैं अजीब बात है जो किसी रास्ते पे चला नहीं वो राय कायम करता है उस रास्ते पे चलने वालों के मुताल अल्लाह हिदायत दे और हम क्या कह सकते हैं तो मारफत का जो सफ़र है वो एक ऐसा खूबसूरत सफर है कि सफर पर हर बंदे को निकलना चाहिए इसलिए देखो कुरान की जो आया मुबारक है ना सूरज दार याद की वमा खलखल्जिन नावल इन ये की जो इबादत है ये मारिफत के साथ ही सही माना में समझ में आती है कि इंसानों और जिन्हों को अपनी मार्फत के लिए पैदा किया हजरत आलूसी रमतल आ फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने हमारी जिंदगी का मकसद मारफत फरमाया तो अल्लाह ने यही क्यों नाजिल नहीं फरमा दिया कि व मा खल जिन नावल लिया क्यों ना फरमाया लियाबुदून क्यों फरमाया कि हमने तुम्हें इसलिए पैदा किया कि तुम हमारी इबादत करो ये क्यों न फरमाया कि ताकि तुम हमें पहचान लो जब मकसूद इस आयत का मारफत है तो लियाबुदून क्यों फरमाया तो अल्लाह आलूसी ने तफसी रूहलमआनी में सिल का ये जवाब दिया है कि अल्लाह ने लियाबुदून इसलिए नाजिल किया कि लिया नाजिल नहीं किया ताकि जो शख्स मारिफत का दावा करे वो इबादत की राह से आए अकबर के बिना इबादत तुम्हें मारिफत नहीं मिल सकती और इबादत का लुत्फ तुम्हें तभी आएगा जब तुम मारिफत हासिल करोगे क्या करोगेफ बिल्ला को जो इबादत में जौक आता है वो सिर्फ आबिद को नहीं आता आबिद अगर आरिफ भी हो तो सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्ला तो सुन्नत की राह से आए इबादत की राह से आए सच्चा सच्चाफ वही है जो आबिद भी है और आबिद सही माना में बनने के लिए तुम्हारा आरिफ होना भी बड़ा है। ये दोनों चीजें क्या हैं लाजिमो मलजूम है एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और याद रखो अगर हब्बुल्लाह चाहते हो मोहब्बत पैदा करना चाहते हो अल्लाह की तो मारफत से कि जब तक जान पहचान ना हो मोहब्बत नहीं होती तो इसलिए मैं समझता हूँ इस तफसील से आपको मारिफत के रास्ते पे चलने का तरीका कार भी पता चल गया होगा कि मोहब्बत भी हो इरफान भी हो और तो नफ्स भी हो किसी कामिल शेख की रफाकत भी हो जिक्र इलाही भी हो और अपने अंदर एक मोहब्बत का एक इरादा हो और रूहानी सफर है इसमें अकल का कोई काम नहीं है असलाम्कम वरहत लाही वबरकू